और आज एक बहुत गंभीर विषय है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी व्यापक स्तर पर चर्चा हो रही है और लोगों में भय का माहौल भी है। कोरोना वायरस के विषय में हम यहाँ पर डॉक्टर मनीष जी के पास में बैठे हैं और डॉक्टर मनीष जी से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोरोना वायरस इस समय फैल रहा है, क्या बचाव है, किस तरीके से उपाय है और क्या इलाज संभव है और किस तरह की वैक्सीन करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे मतलब चीन से अब वर्तमान में काफ़ी देशों में 18 देशों के आसपास पहुंच चुका है, लगातार संदिग्ध मिल रहे हैं। इंडिया में भी लगभग काफ़ी संदिग्ध मिल चुके हैं, केरला और यहाँ राजस्थान में भी एंट्री के रूप में देखा गया। तो सबसे पहले कितना ये खतरनाक है सर? कोरोना वायरस आम रेस्पिरेटरी वायरस की तरह ही एक वायरस है, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक नया म्यूटेशन है और जनरली वायरल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें मॉर्टेलिटी रेट करीब 3-5% है, जो इवन स्वाइन फ्लू से कम है। स्वाइन फ्लू में करीब 10% मॉर्टेलिटी रेट है, पर चूंकि वायरस का मॉर्टेलिटी रेट सर मतलब हमारे दर्शकों की व्यूअर्स के अकॉर्डिंग क्या है? मृत्यु दर करीब 3-5%, जो कि स्वाइन फ्लू से कम है। स्वाइन फ्लू में करीब जो मृत्यु दर है वो 10% है। कोरोना वायरस भी एक आम जैसे जुखाम के इन्फेक्शन होते हैं उसी तरह से वायरल जनितिक रोग है, पर जो प्रॉब्लम आई है कि यह वायरस म्यूटेट कर चुका। म्यूटेशन जब वायरस में हो जाता है तो उसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं होता और अधिकतर वायरल इलनेसेस का इलाज उपलब्ध नहीं है। किस्मत से स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास दवाई उपलब्ध है ओसल्टामिविर, जबकि कोरोना वायरस के लिए अभी तक तो कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। इस स्तर पर मतलब जिस तरीके कह रहे हैं कि आप दवाई उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार हजारों की मतलब अभी तक सैकड़ों डिक्लेयर किए हैं चीन में, लेकिन एक अनऑफिशियली कहते हैं कि 25,000 मर चुके हैं। विषय ये है कि क्या मतलब संभव होगा, कितना जल्दी इसका वैक्सीन आ जाएगा? देखिए, वैक्सीन तो मैं तो नहीं बता सकता, पर फिर भी वैक्सीन बनने में कम से कम इस तरह की वायरल वैक्सीन डेवलप होने में, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होने में और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद रिजल्ट्स आने में करीब 6 महीने लग जाते हैं। छः महीने तक मतलब जिस तरीके से वो स्पैड हो रहा है तो बहुत, ये तो आने वाले दिनों में बहुत और विकराल स्थिति मतलब देखा जा सकता है। देखिए, इतनी घबराने की बात नहीं है। चाइना भी इस वायरस को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक ही जगह रहे, स्प्रेड नहीं हो। ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया, उनसे आने जाने वाले लोगों को कंट्रोल किया है। हॉस्पिटल्स में भी जो पेशेंट है उनको आइसोलेट किया जा रहा है, और जो अगर इन्फेक्टेड पेशेंट मिलता है कि इसमें सस्पेक्टेड कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जुकाम बुखार मरीज, उन सबको आइसोलेशन कर रहे हैं। और दूसरे देशों में भी जो चाइना से माइग्रेट कर रहे हैं लोग बाग, उनमें भी जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको 14 डेज का आइसोलेशन पीरियड में रखा जा रहा है। आपने कहा चाइना कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, लगातार कोशिश भी कर रहा है, 7 दिन में 10 दिन में हॉस्पिटल भी बनाया और भी वो टूरिज्म पे भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इंडिया में अगर ये स्प्रेड हो जाए बाय द वे, लेकिन हालांकि कोशिश पूरी है, स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन फिर तो अवेयरनेस तो मतलब ही बचाव है। और या अगर इंडिया में अगर स्प्रेड हो गया तो फिर तो कंट्रोलिंग की बाहर हो, यहाँ के लोग तो बड़े अवेयरनेस बाद में होते हैं अगर पहले डिजीज मतलब इस तरह का माहौल रहता है, आप क्या सोचते हो? देखिए, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अवेयरनेस और प्रिवेंशन, ये दो चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि कोरोना वायरस आम वायरल इन्फेक्शन की तरह ही है, पर चूंकि जुखाम की तरह जैसे वायरस फैलता है, जुखाम भी जब फैलती है तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो जुखाम फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसी तरह से लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है कि कोरोना वायरस का विस्तार होना हम कैसे रोक सकें, जिसमें हेल्थ वर्कर के साथ साथ पूरी आम पब्लिक का भी पूरा योगदान होना आवश्यक है। किस तरीके से क्या क्या हमें उपाय करने हैं? देखिए, वैसे तो अभी केसेस अपने यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, पर फिर भी जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होते हैं किसी भी आम रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि कोई भी आदमी जो जुकाम से पीड़ित है उससे कम से कम 2 फीट की दूरी बनाए रखें जी, जुकाम से पीड़ित मरीज को मास्क पहनने के लिए कहें जी, और जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, बार बार हाथ धोएं, और हाथ धोने की भी एक तकनीक होती है बाकायदा, उस तकनीक को फॉलो करते हैं तो वो कौन सी तकनीक? हाथ धोना एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाथ धोने के बाकायदा WHO ने करीब 6 स्टेप दे रखे हैं,
वो 6 स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो उसे सक्सेसफुल हाथ धोना माना जाता है। बहुत सटीक शब्दों में 6, कम शब्दों में 6 स्टेप कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूँ। सबसे पहले सामने की तरफ साबुन लें, इस तरह से रगड़ें, फिर उल्टी साइड से रगड़ें दोनों को। उल्टी साइड से रगड़ने के बाद में दोनों हाथों से इस प्रकार रगड़ें, फिर अपने नाखून साफ करने के लिए दोनों हथेलियों पे इस तरह से करें, फिर पीछे की तरफ ले जाके पूरे पोंछे को साफ करके इस तरह से हाथ धोने की विधि है। बिल्कुल, ये तमाम व्यूअर्स इस चीज़ को नोट करें और अपने हैंड वॉश इसी तरीके से करें। बहुत अच्छी चीज़ आप डॉक्टर साहब आपने बताई है। और जिस तरीके से भीड़ में जाने का मास्क का इस्तेमाल करें। थर्ड चीज़ खूब पानी पिएं, वायरल डिटॉक्सिफिकेशन, जितना जल्दी जुकाम होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी खूब फ्लूड लेने से और इन सब चीज़ों से, हाई न्यूट्रिशन डाइट वगैरह से, इनसे सबसे इम्प्रूव होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा आइसोलेट रखें, उनको भी अपने को जो है वो समझाने की आवश्यकता है कि वो इस तरह के पेशेंट के संपर्क में नहीं है। एक चीज़ और है, जैसे ये संक्रमण ही संक्रमित ही बीमारी है, तो फिर तो जैसे जहाँ है वहीं संभावना है इसका, और बाकी जैसे एक आम पब्लिक में के बीच में तो क्या पॉसिबिलिटी? बिल्कुल नहीं। नवलगढ़ में अगर कोरोना वायरस का केस नहीं है तो नया कोरोना वायरस का केस उससे बन नहीं सकता, ये म्यूटेट नहीं हो सकता। ये तो चाइना में बदकिस्मती से वुहान प्रांत के अंदर एक मार्केट में किसी एनिमल से इन्फेक्शन आया है। अब अभी तक भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि किससे आया है, पर कहते हैं कि जो चमगादड़ हैं उसके सूप से या फिर सांप से या फिर पिक से, इन्हीं किसी एनिमल से ये इन्फेक्शन आया है। एनिमल्स में ऑलरेडी ये प्रेजेंट था, पर ह्यूमंस में ये म्यूटेट होके और ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में आया है। एक यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो नॉन मांसाहारी लोग हैं उनको क्या इस तरह प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है फिर तो? मतलब संभावना ही आप क्या कहेंगे, मतलब मांसाहारी के लिए इस समय? भाई अभी तक तो ये प्रूव नहीं हुआ कि ये किस मांस से फैला है या किस तरह के वो, पर चूंकि ये जानवरों से आया है तो इसमें चांसेस हैं कि जो है वो इस तरह के मांसाहारी पदार्थ और इसी मांस से बने हुए जितने भी डेरिवेटिव फूड्स हैं वो सब आप इस्तेमाल नहीं करें। बहुत महत्वपूर्ण अपनी चर्चा चली है हमें, और मतलब आपने तमाम चीज़ें बताई है, जिस तरीके से बातें निकल कर आई है तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। और जाते जाते ऐसी कोई चीज़ जो इस विषय में आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। पब्लिक के अंदर कम से कम ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोरोना वायरस अगर कोई केस आ भी जाता है तो उसे हम कैसे क्वारंटाइन करें, उसे हम 14 डेज के लिए किस तरह से आइसोलेशन करें, और हमारी और पूरे समाज की और हेल्थ वर्कर्स की और सभी लोगों की ये कोशिश रहे कि वायरस जनित कोई रोगी आ जाता है तो कोरोना वायरस पे स्प्रेड को हम किस तरह से रोकें। वही सारी जो मैंने प्रिकॉशंस बताए, 14 डेज का जो आइसोलेशन आप बताए, 14 डेज का आइसोलेशन पीरियड किसी भी वायरल जनित रोग के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि 14 डेज में अगर पेशेंट बिल्कुल सामने वाला ठीक हो जाता है, जो भी सस्पेक्टेड रोगी है वो ठीक हो जाता है, तो फिर हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस तरह का कोई रोगी लगता है जिसकी चाइना से इन दिनों में आने की हिस्ट्री रही हो, चाइना से ट्रेवल की हिस्ट्री रही हो, या और किसी तरह के दूसरे देश में, जैसे थाईलैंड में भी अभी इन्फेक्शन है, इस तरह के किसी देश से आने की हिस्ट्री रही हो तो, और जुकाम बुखार हो और सांस की तकलीफ हो, बुखार हो, तेज सांस फूलना हो, इस तरह की चीज़ें हो, तो उनको सस्पेक्टेड करके और वायरस की जांच के लिए हमें भेजें। एक अंतिम सवाल, जिस तरह चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं तो पिछले 90 डेज या 110 के दिन के आसपास के जो प्रोडक्ट बनाए हैं, तो फिर मतलब संभावनाएं बनती है हमें प्रिकॉशन में उनको थोड़ा उनसे दूरी रखना चाहिए, वो खाने वाले प्रोडक्ट्स हो या कुछ अन्य प्रोडक्ट्स हो? देखिए, अभी तो कह रहे हैं कि चाइना से कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल में ये मैटर तो गवर्नमेंट का और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों का है कि चाइना से जो भी माल आ रहा है उस पर किस तरह से कंट्रोल, पर चाइना ने खुद ने भी इसमें कंट्रोल कर रखा है। तो हमारे साथ ये डॉक्टर मनीष जी जांगड़े हॉस्पिटल से, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। वुहान से जहाँ चाइना से ये जो कोरोना वायरस है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बाय द वे अगर केस आता है तो आप 14 डेज का आइसोलेशन उसका होता है, आप तमाम उनका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करवाइए, और बिल्कुल प्रिकॉशन मस्ट है। आप बच्चों का उनका हैंड वॉश अच्छी तरीके से कीजिए, या जो भी आपको संदिग्ध पेशेंट दिखे
निश्चित रूप से आपकी प्रतिरोधक क्षमता है तो कोरोना वायरस दूर रहेगा। और ये भी साथ में कि जहाँ से संदिग्ध आए हैं चाइना से, वहीं संभावना ज़्यादा बनती है। तो आप, हम सब स्वस्थ हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ देखते रहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।